हे गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आज हम सैमसंग गैलेक्सी J6 और नोकिया 6.1 2018 एडिटर को फुल कंपेयर करेंगे, उसके स्पेसिफिकेशन से जानेंगे, उसके रिव्यू एंड प्राइस भी जानेंगे। तो हम लोग ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग कंपेरिजन शुरू करते हैं। तो जैसे आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सैमसंग गैलेक्सी J6 और नोकिया 6.1 का कंपेयर है। तो यहाँ हम एक समरी देखते हैं पूरे स्पेसिफिकेशन का, फिर इसे डिटेल में देखेंगे। समरी में जैसे हम लोग डिस्प्ले देखते हैं, परफॉर्मेंस, स्टोरेज, कैमरा, बैटरी बैकअप और क्या रेटिंग है। सैमसंग की डिस्प्ले है 5.6 और नोकिया की है 5.5। दोनों की प्रोसेसर ऑक्टा कोर पे है, पर सैमसंग गैलेक्सी की 1.6 प्रोसेसर 3GB रैम के साथ है और नोकिया की 2.2 3GB रैम है। स्टोरेज 32GB है, 32GB है और कैमरा 30MP 60MP, बैटरी 3000 MHz। तो दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं नोकिया की प्रोसेसर अच्छी लग रही है। तो इसको हम लोग फुल डिस्क्रिप्शन देखते हैं, फिर देखते हैं कौन सी मोबाइल ज्यादा बेहतर है। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो दोस्तों, अब हम यहाँ कुछ चीजें देखते हैं। जैसे दोनों की ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 8 है, पर नोकिया के एंड्रॉइड 8.1 है और दोनों का सिम स्लॉट ड्यूअल है और दोनों का सिम साइज नैनो है और नोकिया हाइब्रिड पे है। यहाँ हाइब्रिड का मतलब है या आप दो सिम यूज कर सकते हैं या एक सिम एक मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं और दोनों फिंगरप्रिंट सेंसर है। क्विक चार्जिंग सिर्फ नोकिया में है, सैमसंग में क्विक चार्जिंग नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ भी सैमसंग से बेहतर नोकिया पड़ रहा है, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम में हो चाहे कोई और फीचर्स में हो। और आप यहाँ ये दोनों मोबाइल के डिजाइन देख सकते हैं, जिस पे आपको डायमेंशन दिखेंगे, हाइट, विड्थ, थिकनेस। और यहाँ विड्थ देख सकते हैं, विड्थ सैमसंग की कम है, नोकिया की ज्यादा है। और बिल्ड मटेरियल में नोकिया के केस और बैग मेटल के हैं और सैमसंग में कलर के ऑप्शन मिलेंगे ब्लैक, ब्लू, गोल्ड और नोकिया में मिलेंगे ब्लैक, ब्लू, व्हाइट। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे आते हैं इनके डिस्प्ले साइज पे। इनकी स्क्रीन साइज है 5.6 इंच, 5.5 इंच और स्क्रीन रेजोल्यूशन है 720x1480 pixels सैमसंग गैलेक्सी की और नोकिया 6.1 फुल HD 1080x1920 pixels। और पिक्सल डेंसिटी भी यहाँ देख सकते हैं, डिस्प्ले टाइप भी देख सकते हैं, सैमसंग की एमोल्ड है और नोकिया की आईपीएस एलसीडी है। स्क्रीन प्रोटेक्शन सैमसंग में नहीं है और नोकिया में गोरिल्ला ग्लास है। टच स्क्रीन टाइप देख सकते हैं, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देख सकते हैं। आप यहाँ ये दोनों मोबाइल की डिस्प्ले की फुल डिटेल ले सकते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये दोनों मोबाइल के परफॉर्मेंस पे। यहाँ सैमसंग की प्रोसेसर है एक्सिनोस 7 octa 7870 और नोकिया की है स्नैपड्रैगन 630 और सैमसंग की प्रोसेसर है ऑक्टा कोर 1.6 GHz कॉर्टेक्स A53, वहीं पे नोकिया की है ऑक्टा कोर 2.2 GHz कॉर्टेक्स A53। दोनों 64 बिट पे हैं और ग्राफिक्स देख सकते हैं और दोनों की रैम भी 3GB है। आप यहाँ से इनकी पूरी परफॉर्मेंस की डिटेल देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम इनके स्टोरेज की। सैमसंग की इंटरनल मेमोरी है 32GB और नोकिया की भी 32GB और एक्सपेंडेबल मेमोरी है अप टू 256GB सैमसंग की और नोकिया की है 128GB सिर्फ और USB OTG सपोर्टेड सिर्फ सैमसंग में है, नोकिया में ये फीचर्स नहीं है। अब हम बात करते हैं ये मोबाइल्स के कैमरे की। इनकी मेन कैमरे की बात करते हैं, रिजोल्यूशन है इनके 30MP सैमसंग की और 60MP है नोकिया की। दोनों में ऑटो फोकस है, फ्लैश LED है, पर नोकिया में फ्लैश ड्यूअल कलर LED फ्लैश है। इमेज रिजोल्यूशन सेम है, सेटिंग है, शूटिंग मोड भी है, कंटिन्यूअस शूटिंग, हाई डायनेमिक रेंज मोड, कैमरे फीचर्स और भी है, डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन, टच टू फोकस और वीडियो रिकॉर्डिंग है। और इनके फ्रंट कैमरे है सैमसंग के 8MP और नोकिया के 8MP और फ्रंट फ्लैश सिर्फ सैमसंग में है, नोकिया में नहीं है। नोकिया में कैमरे की एक एडिशनल फीचर है फिक्स्ड फोकस। आप यहाँ नोकिया और सैमसंग के कैमरे को कंपेयर कर सकते हैं और पूरी डिटेल दे सकते हैं। तो भैया, अब हम आते हैं इनकी बैटरी बैकअप पे, क्योंकि हर मोबाइल की सबसे बड़ी दिक्कत बैटरी बैकअप होती है। यहाँ सैमसंग और नोकिया दोनों की बैटरी है 3000 MHz, पर यहाँ नोकिया थोड़ा अलग है। इनकी वायरलेस चार्जिंग है और क्विक चार्जिंग है, जो कि सैमसंग वायरलेस चार्जिंग और क्विक चार्जिंग नहीं दे रहा है। हम बात करते हैं नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की। दोनों की सिम साइज नैनो है, पर नोकिया हाइब्रिड पे काम करता है और दोनों वोल्टी है। SIM 1 SIM 2 की डिटेल यहाँ देख सकते हैं, ब्लूटूथ की देख सकते हैं, GPS और USB कनेक्टिविटी, USB टाइप सी। आप यहाँ नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की सब डिटेल देख सकते हैं, जो डिटेल इनसे रिलेटेड है सब यहाँ पे दिए हुए हैं। और आपको FM रेडियो, लाउड स्पीकर, 3.5mm ऑडियो जैक भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल फीचर मिल जाएंगे, आपको यहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएंगे रियर साइड और कुछ अदर सेंसर मिल जाएंगे, जैसे सैमसंग में प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर सेंसर मिलेंगे, पर नोकिया में लाइट
सेंसर मिलेंगे, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर सेंसर, कंपास, जायरोस्कोप, इतने सारे फीचर मिल जाएंगे नोकिया में। तो फ्रेंड आपने यहाँ नोकिया और सैमसंग की फुल कंपैरिजन देख लिया है, तो आप यहाँ डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा मोबाइल लेना है। मुझे तो नोकिया अच्छा लग रहा है, उसमें कई सारे इंटरेस्टिंग फीचर अवेलेबल है। हमें यहाँ पे गैलेक्सी J6 और नोकिया 6.1 दोनों की प्राइस 14,000 अप्रॉक्स है। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा मोबाइल अच्छा पड़ेगा, जो कि प्राइस दोनों की सेम रहेगी। यहाँ पे हम लोग मोबाइल कंपेयर किए तो हम लोग को नोकिया अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसमें कुछ नए फीचर्स दिए हैं। वायरलेस चार्जिंग दिया है, फास्ट चार्जिंग दिया है, बैटरी बैकअप अच्छी है, इनके कैमरे अच्छे हैं, प्रोसेसर अच्छी है, और यहाँ पे और भी डिटेल दिए हैं, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जल्द ही मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।